भारत में स्थित करीब 50 साल पुराने संस्कृत महाविद्यालय का मनाया गया वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव के दौरान पूर्वोत्तर से जुड़े राज्यों और यहां तक नेपाल के लोक नृत्य को भी किया गया प्रस्तुत। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से जीता सभी का दिल। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। इस अवसर पर 8 समाज सेवियों एवं संस्कृत विद्वानों को भी किया गया सम्मानित। 21वीं सदी के इस बदलते भारत में विज्ञान का प्रचार प्रसार जोर शोर से देखने को मिल रहा है, तो वहीं एक कार्यक्रम में संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को भी जोर शोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। हनुमान संस्कृत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। वैदिक मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। नेपाली लोक नृत्य, मणिपुरी नृत्य, संवत्सर गीतिका, योग एवं काव्यावली आदि कार्यक्रमों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में कुलदीप कुमार अग्रवाल तथा मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री अजय पारेख उपस्थित थे। अजय पारेख ने अपने उद्बोधन में हिंदू संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृतियों में से एक हिंदू संस्कृति है तथा विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सर्वोपयोगी है। जोन 15 कर्मपुरा के शिक्षा निर्देशक कैलाश चंद जी ने हनुमान संस्कृत महाविद्यालय के चहुमुखी विकास की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय द्वारा पावन पर्व प्रबोधिनी नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया। इस वर्ष विद्यालय द्वारा एक नए कैलेंडर का भी प्रकाशन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निवास वरखेड़ी उपस्थित रहे। महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषा संस्कृत और हिंदी को बढ़ावा देना रहा। ये 1978 से चल रहा है और ये हमारे जो संघ परिवार है उसी का एक हिस्सा है और इसमें जो है ना प्रथमा से छठी कक्षा जो होती है उससे हमारे विद्यार्थी आते हैं, वहीं हमारे गुरुकुल में रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सारी व्यवस्था है पढ़ाई की। और हम शास्त्री तक आचार्य तक की महाविद्यालय है, शास्त्री और आचार्य तक की पढ़ाई करवाते हैं। वेतन में और उसमें भी 95% वेतन आधे अध्यापकों के उसमें रहता है और शेष जितना भी है वो सभी कार्य समिति जो है बच्चों के रहन सहन खाने पीने की व्यवस्था सारी जो अपनी ये समिति है उसके माध्यम से ये होता है। लोक कला को देखते हुए वहाँ के जैसे मणिपुर का नृत्य है, नेपाली नृत्य को समाहित किया गया, इसी प्रकार से जो संस्कृत से जुड़े हुए वैदिक मंगलाचार, लौकिक मंगलाचार और बहुत ही अच्छी जो आज के वर्तमान समय में एक बिंदु है सबकी चर्चा का, वो है राम मंदिर। उस पर एक विद्यार्थियों के द्वारा स्वरचित काव्यावली ऐसी करके अभी आपको देखने को मिलेगी, जिसको वास्तव में देखकर आप सभी रोमांचित होंगे। मेरा नाम गीता आहूजा है, सचिव के पद पर कार्यरत हूँ दधीचि देहदान समिति में। दधीचि देहदान समिति पिछले 25 वर्षों से समाज में देहदान, अंगदान और नेत्रदान की जागरूकता के लिए काम कर रही है। अभी पिछले ही सितंबर में हमने 25 वर्ष कंप्लीट किए हैं और नेशनल लेवल पर हमने 2 डेज का कॉन्क्लेव भी रखा था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस कॉज के लिए काम कर रही हैं वो लोग आई थी, तो काफ़ी डे लॉन्ग डिस्कशंस हुए। तो दधीचि बस इस कॉज को जन जन तक लेकर जाना चाहती है